अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इन पंछियों को देखिए, शायद ये नहाकर आए। इनके जो पंख है वो गीले हैं और इस तरह से फड़फड़ा भी रहे और बात ही भी कर रहे हैं शायद है। और बीच में घोंसला है और इस साइड एक पंछी बैठे हैं दोनों और बातें कर रहे हैं और पंख भी फड़फड़ा रहे हैं, गीले पंख हैं इनके। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 11 बज रहे और अभी आधे काम बाकी है, आधे हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे से मैं लग जाती हूँ कामों में, मगर आज ना मैं छोटी सी चीज़ के लिए परेशान हूँ। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उसकी, मगर छोटी सी चीज़ है, मतलब वो है एक छोटी सी पिन जो यहाँ पर हमें लगानी है। मुझे सुबह से नहीं मिल रही, इतनी परेशान हो चुकी हूँ मैं। बार बार एक पल्ला संभालते ही मुझे आज काम नहीं हो पा रहे, मिल ही नहीं पा रही है। एक थी वो टूट गई है, दूसरी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं पा रही है। ऐसे काम हो रहे, बस छोटी सी चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ सुबह से। ये चीज़ बहुत छोटी सी है मगर इसकी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बिना इसके काम चलता नहीं, एक बार इंसान को आदत हो जाए ना फिर उसके बिना हम रह नहीं पाते। अब सुबह के 11:30 बज रहे और बर्तन सारे धुल लिए। पहले तो सिंक वगैरह धुल लिया है, अब सारे बर्तन इस तरह से मांज लेती हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। और दिनेश आ चुका है स्कूल से, स्कूल यहाँ घर के पीछे ही है तो जब इसका मन करे तब आ जाता है। अब इंट्रोल हो चुका है, 11:30 बजे इंट्रोल हो जाता है, तो बस 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसमें भी ये घर आ जाता है। तो आकर पानी पीकर चला गया और बर्तन हो चुके हैं, किचन एकदम क्लीन है। मगर ये देखिए, ये दोनों छनियाँ ऐसी हो चुकी हैं इनकी हालत। ये रोज काढ़ा बन रहा है ना, वो काढ़ा छान के ऐसा हो चुका है और ये निकल भी नहीं रहा है। तो इसे मैं निकालने की कोशिश तो करूँगी, ऐसे अच्छे भी नहीं दिख रहे। तो गर्म पानी कर लेती हूँ, गर्म पानी में इसे भिगो कर रख दूँगी तो शायद ये निकल सकता है। ये छनिया गर्म पानी में हम भिगो देंगे थोड़ी देर, इसीलिए थोड़ा सा गर्म पानी रख दे रही हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये साबुन का टुकड़ा डाल दे रही हूँ जो मैंने अभी भी बर्तन मांजे इसी से। तो ये पानी में डाल दिया है, अब ये छनिया इसमें रख देंगे थोड़ी देर भीगने के लिए। गैस बंद कर दी है और ये ब्रश ले लिया है, ख़राब ब्रश पड़ा हुआ है घर में तो वही ले लिया है। इसे मैं घीस घीस के अच्छे से इसको क्लीन कर दूंगी। अगर हम घी या तेल या काढ़ा वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें छानते रहते हैं ना तो ये छन्नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर एकदम काली काली सी लगती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख देंगे, इसमें साबुन डिटर्जेंट जो भी हो आपके पास वो डालकर थोड़ी देर भिगो कर रख देंगे। फिर बाद में इस तरह से ब्रश से घिस घिस के निकालेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, जो भी इसमें चिपचिपापन है कालापन है सारा निकल जाएगा। ये छोटी सी बात है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये अच्छे से निकल चुकी है, इसका जो भी कालापन चिपचिपापन था वो सारा निकल गया है। अब अच्छे पानी से एक बार धुल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम वाइट एंड वाइट ही हो चुकी है। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने रख दिए चाय। इस वक्त चाय पीने का टाइम तो है नहीं, खाना खाने का टाइम है, मगर मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था तो इसीलिए चाय रख दिए। अभी खाना खाने में टाइम है, अभी ये नहीं आएंगे, ये आने में 2:30 बज जाएंगे, तो तब तक दूसरे काम कुछ देख लेते हैं। इसीलिए मैंने चाय पीकर दूसरे काम करूँगी तो थोड़ा सा आलस भी नहीं आएगा, फ्रेश महसूस होगा मुझे। और ये देखिए ये छन्नी भी कितनी वाइट एंड वाइट दिख रही है ना, और एकदम जल्दी से चाय भी छन रही है, नहीं तो पहले कालापन सा हो गया था उसमें, मगर अब छन्नी भी अच्छी हो गई। चाय भी बन चुकी है, छान लिए पी ले रहे हैं। और दिनेश आ चुका है, 1 बजे आ जाता है और ये टीवी में ना कार्टून देख रहा है और कितना हंस रहा है देखिए, इसका खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं है।
वो कार्टून देख के हंस हंस रहा है। कार्टून में जो बातें की जाती है ना वो सुन के बहुत हंसी आती है। मैं भी दिनेश के साथ रोज़ कार्टून देखती हूँ तो मुझे भी आदत सी हो चुकी है। मैं भी कार्टून जब भी लगता है सामने आकर बैठ जाती हूँ। अब दोपहर के 3:30 बजे और मेरे सारे काम हो चुके हैं, सबका खाना पीना भी हो चुका है। अब इस वक्त मेरे पास खाली टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि बाती और वस्त्रमाल बना लूँ। तो यहाँ पर ये रुई ले ली है। उस दिन आपने देखा होगा मैंने बस 2 वस्त्रमालाएँ बनाई थी और थोड़ी सी बाती, और वैसे भी दिवाली में ना बहुत सारी वस्त्रमाले और बाती बहुत सारी लगती है क्योंकि दिए भी लगाए जाते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है और गैरेज में भी पूजा होती है तो बहुत सारा लग जाता है। और दिवाली में हम ये बनाते बैठेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। दिवाली में घर में मेहमान भी आते हैं और हमें भी बहुत सारे काम होते हैं तो तब हम ये बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वक्त जब भी खाली टाइम मुझे मिलता है तब मैं 1-2 वस्त्रमालाएँ बाती थोड़ी बना लेती हूँ। तो खाली टाइम है तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप में पानी भी ले लिया है, पानी का हाथ लगा लगा कर बना लेती हूँ। और ये जो रुई है ना इसमें बींज है, पहले रुई साफ कर लेती हूँ। इसमें जो बींज रहते हैं, और ये नई रुई है, यहाँ पर ही पेड़ काफ़ी अच्छा आए हुए है फ्लैट में, वहीं की रुई है ये, नई है। इसमें के जो बींज है वो निकल भी नहीं पाते हैं, जब पुरानी रुई हो ना उसमें के बीज बहुत जल्दी से निकल आते हैं, नई वाली उतनी निकलती नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी रुई साफ करते हुए मैं थोड़ी थोड़ी सी वस्त्रमालाएं बाती बनाती जाऊंगी। ये देखिए इतनी सारी वस्त्रमालाएं बना ली है और ये बाती भी बना ली है। और मुझे करते करते ना 1 से 1.5 घंटा लग चुका है क्योंकि ये जो वस्त्रमालाएं मैंने बनाई इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, बाती बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मगर जो बींज थे वो नया वाली रुई थी इसीलिए थोड़े से बींज उसके निकल नहीं रहे थे, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। तो सारे मैंने इस तरह से बींज निकाल के रुई में के अच्छे से रुई नरम कर ली, फिर बाद में उसकी इस तरह से वस्त्रमालाएं और बाती बना ली है। जब हम मार्केट में से जो रुई ले आते हैं ना उसमें बींज नहीं रहती है तो फटाफट से हो जाती है। मगर वस्त्रमालाएं तो तैयार है, अब इनमें हम हल्दी और कुमकुम लगा लेते हैं। पहले तो मैं हल्दी लगा ले रही हूँ। सारे वस्त्रमालाओं में हल्दी लगा ली है और अब कुमकुम लगा लेते हैं, जो इसके एक एक बीच में से एक में हल्दी एक में कुमकुम ऐसे लगाना था। तो पहले हल्दी लगा ली, अब कुमकुम लगा ले रही हूँ। लगा लगा कर इस तरह से इसे गोल शेप में रख दे रही हूँ ताकि ये टूटे ना, खराब ना हो सके। तैयार हो चुकी वस्त्रमालाएं और बाती, अब इन्हें अच्छे से रख भी देते हैं। अब इन्हें हम डब्बे में डालकर रख देते हैं क्योंकि ना ये वस्त्रमालाएं खराब होती है जल्दी से, तो इसीलिए कवर में बांध कर रखेंगे, फिर भी खराब होगी टूट सकती है। तो इस तरह से इस डब्बे में डालकर रख दिया है। इन्हें बनाने में जितनी मेहनत लगी है
इतने अच्छे से अगर हम रखेंगे तो ये काम आएंगी। और ये बाती तो हर रोज़ लगती है हमें, इसीलिए यहाँ पर ग्लास में डालकर ऊपर रख देती हूँ। हर रोज भगवान के सामने दिया लगाने में हमें ये बाती की रोज़ ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से इस ग्लास में भरकर रख दिया है। खराब ना हो, और बाती तो हर रोज लगने वाली है इसीलिए यहाँ पर ही रख दी सामने ही। और अब बज रहे शाम के 5, अभी झाड़ू वाड़ू लगानी है, बर्तन तो नहीं है, किचन क्लीन है, झाड़ू लगाकर दिया बाती भी कर लेते हैं और इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक कीजिएगा, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ में व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।